क्लास 9th की केमिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक होगा जिसका एब्सोल्यूट मास और एक्चुअल एटॉमिक मास, ठीक है। आज का टॉपिक होगा एब्सोल्यूट एटॉमिक एब्सोल्यूट मास और एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास। देखना है यू इनिशियल टू, ठीक है, ये टॉपिक है। यू इनिशियल टू 1.926 इंटू 10 to the power -23 upon 12 into g 4 gram, ठीक है। अब यहां पे देखना है कि किस तरह पर ये 12 से इसमें डिवाइड कर देना है, तो ये 3 है तो मैं इसको ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट के बाद फोड़ तो यहां पे 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 1.996 में, तो अखिल यहां पे हम ये ऐसे कर सकते हैं, ये डिवाइड करें तो आएगा 1.6605 10 to the power -24। वो कैसे, वो देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखिए 9926 divided 12 12 12। अब यहाँ पर आ जाए 9 7, ये 9 ये कैंसिल, अब 12 6 are 72, ठीक है, और ये हो जाएगा 7, क्लियर, ये हो जाएगा 0, फिर ये 9, फिर 12 6 are 72, और ये आपका आ जाएगा 7, और ये 0, और ये हो जाएगा 2, क्लियर। अब फिर हो जाएगा यहां पे देखिएगा ये 9 2 7 9, ठीक है, ये 9 ये 9 सही है, 2 6। जब डबल उतारते हैं तो एक बार जीरो लगाते हैं, क्लियर। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, 9 2 7 हो गया, अब यहां पे 2 डालते हैं तो 22, सॉरी यहां पे 2 होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां दैट आपको उतरेगा 6, ये भी 0, अब 6 पॉइंट है, पॉइंट के पहले एक जीरो लगा दीजिए क्योंकि नंबर यहाँ पे कम है, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 0.5, ठीक है, 60। अब यहाँ पे ये आया है, हमारे पास एक जीरो इसमें डाल देंगे तो आपके ये ऐसे हो जाएगा, क्या होगा कि ये तो वैल्यू इतना है, ठीक है, वो कैसा है, ये आपका आ रहा है 1.6605, ठीक है, और 10 to the power -23 और प्लस 10 ऊपर जाएगा तो -10 to the power 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जो नंबर है एक तो इसमें से ले लिए, अब बचा 3, अब इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, कितना से, तो आप यहाँ पे देखिए 100014 कोड अंक आएगा, इसको डिवाइड कीजिए तो आएगा ये 1.0065, ये आएगा 1.6005, और वो ऐड हो जाएगा, आपकी वैल्यू मान लिया हो जाएगा 1.6605 × 10 to the power -1, सॉरी 10 to the power -4। तो एब्सोल्यूट मास और एक्चुअल एटॉमिक मास ये क्या होता है, तो कार्बन एक्चुअल एटॉमिक मास में जो कार्बन का एटम होता है वो कार्बन एटम और उसकी जो एटॉमिक मास जो एटम का होता है वो 12 जो है वो इक्वल होता है किसके, 1.9926 के इक्वल होता है, जो 10 to the power -3 ग्राम। कार्बन 12 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C12, कार्बन जो 12 है वो उसकी जो है एटम सी पूरा लिखे स्पष्ट ऐसे C12, तो ये कार्बन 12, ठीक है, तो कार्बन 12 की जो वैल्यू हो जाएगा वो 1.9, ये पॉइंट 1.9926 × 10
थ्री, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्राम। अब हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू आए उस वैल्यू को हमें क्या करना है, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, ओके। अरे इसे एक एग्जांपल क्वेश्चन देखिए, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल है, फाइंड द एब्सोल्यूट मास, फाइंड द एब्सोल्यूट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द एब्सोल्यूट मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एब्सोल्यूट मास क्या करना है, आप ऑलरेडी जान रहे हैं सॉल्यूशन, ऑक्सीजन को इंडिकेट करते हैं ओ से, एटॉमिक नंबर पता है एट, एटॉमिक नंबर कितना है एट। अब एटॉमिक मास इसे निकालना है, ठीक है, तो एटॉमिक मास जो होगा इसकी, वो एटॉमिक मास ऑफ किसकी, ऑक्सीजन, तो एट को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 16 यू हो जाएगा। मैंने बताया था या तो यू से इंडिकेट कीजिए या एएमयू मींस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये नहीं इंडिकेट करना है, एएमयू लगा देना है, क्लियर। अब यहां पे आप मल्टीपल करना, इन ऑफ दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं वो ध्यान रखें, बी नाउ दैट, बी नो दैट में क्या करना है वो देखें कि यहां पे वन यू इनिशियल वैल्यू आया है 1.6605 into 10 to the power minus 24 g ग्राम है, ठीक है, वैल्यू तो मेरा यही है। अब इसमें क्या करना है, मल्टीपल कर देना है किसकी, ऑक्सीजन का, ठीक है, तो एब्सोल्यूट मास ऑफ ऑक्सीजन दी एब्सोल्यूट मास मास ऑफ ऑक्सीजन, एब्सोल्यूट मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसकी मल्टीपल कीजिए 1.6605 into 10 to the power minus 24 मल्टीपल 16, ठीक है। अब यहां पे देखें माइनस 24 तो रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 24। अब यहां पे मैं एक चीज क्या कर रहा हूं वो जरा ध्यान रखना, यहां पे अगर 16 से मल्टीपल करेंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 24 मल्टीपल 16 फाइव्स है 80 0 कैरी 8, अब याद रखिए 0 8, क्लियर, 16 6 है। अब 16 को 6 से मल्टीपल कीजिए, है ना, तो क्या होता है 96, कैरी 9, फिर 96 में आप क्या कीजिए 6 को और ठीक है 9 को ऐड कर दीजिए, ये 15 हो रहा है और ये 10 हो रहा है, 5 कैरी हो जाएगा 10, क्लियर है। अब यहां पे क्या करना है, फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 16 और 16 में आप 8 ऐड कीजिए तो ये 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये आपका रहा है 2.6 5680 into 10 to the power minus 1। अब एक चीज देखिए, इसकी वैल्यू में अगर यहां पे आप यहां पे ऐसे लिखें 1 2 3 4 5 है, यहां पे 5 से एडजस्ट कर दे 2 3 4, है ना, और एक 5, क्लियर है। अब ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, अब आपके पास बच गया 4, आपके पास बच गया 4। अब यहां पे क्या करना है कि अगर मैं 10 यहां पे 1 2 3 4, ठीक है, अब यहां पे 2.65 मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं अभी यहां पे कैलकुलेशन कर रहा है, ये आपका 1 है, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 2.6568 into 10 to the power minus 25, कितना हो जाएगा minus 25, क्लियर है, एंड ये हो जाएगा
सेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मास ऑफ सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, टू है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम। अब यहां पे देखें, हमें फाइंड एब्सोल्यूट मास ऑफ सोडियम, सोडियम के एब्सोल्यूट मास को फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो आप फर्स्ट एंड फर्स्ट आप पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे, सोडियम का सिंबल लिखेंगे। ये सोडियम का सिंबल लेने है, एटॉमिक नंबर इसकी 11 होती है। क्लियर है, अब एटॉमिक मास फाइंड आउट करना, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, तो 23 U, कितना होता है 23 U। क्लियर, अब ये जो 23 आ रहा है कितना गया 23, अब ये 23 को आप क्या करेंगे ध्यान रखना, बोला है कि एब्सोल्यूट मास ऑफ सोडियम निकाले, तो यहां पे लिखेंगे द एब्सोल्यूट mass of sodium। ठीक है, तो वन यू इज इक्वल टू वैल्यू कितना दिया है, वो फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, तो आपका आया है 1., क्या आया है 1.6005। क्लियर है, इनटू 10^-23। क्लियर, और इनटू सोडियम का जो है वो 23 यहां पे लगा दीजिए जी। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये सारे को मल्टीपल कर दीजिए, 16605 को 33 से मल्टीपल कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, तो एक मल्टीपल यहां पे देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिए मल्टीपल क्या होगा, 16605 × 23। ठीक है, अब इस मल्टीपल में देखेंगे कि आपका कैसे होगा, यहां पे मल्टीपल है, इस मल्टीपल में ये जीरो पहले डाल दीजिए, 40 1 2 3 4। क्लियर, अब यहां पे देखिए पॉइंट नीचे हो जाएगा, 5 3 0 1 6 3 18 6 3 18 1 19 3 1 3 1 4। याद कीजिए 8 0 1 12 2 12 13 2 1 3, जिसको ऐड कीजिए 5 1 9 11। ठीक है, 4 3 7 1 8, और ये हो जाएगा 3। क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3 8 1 9 1 5, ये आ रहा है 3 8 1 9 1। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देख लें कि अगर 0.3 आएगा तो मेरा क्या होगा, एक जीरो ऊपर देगा तो एक जीरो नीचे देगा अपने मन से, तो आपका एक्सोर हो जाएगा, सॉरी क्या आया 3, तो यहां पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आ जाएगा 3.81915। ये भी लिख सकते हैं (10^-20). अब 2 लिख देंगे तो 20 क्या हो जाएगा 3.45, यहां पर जाएगा 5 हो जाएगा जी ग्राम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टेंशन, ये 23 है, ये 24 है, सॉरी 24, ये आपका हो जाएगा 25। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समझ में आ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन है फाइंड आउट एब्सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, वो देखें, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे कि कैलकुलेट द एब्सोल्यूट, क्वेश्चन है कैलकुलेट
एक चीज ध्यान रखें, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए कि एब्सोल्यूट मास का जो हाइड्रोजन एटम है उसकी वैल्यू क्या होगा। तो आप ऑलरेडी जानते हो पहले सॉल्यूशन लिखने के, और इस सॉल्यूशन में ये कह रहा है कि सिंबल हाइड्रोजन का एच होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लियर, एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, वो आपकी बनी होती है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ H कितनी होती है 1। तो दी एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लीजिए, तो इसलिए दी एब्सोल्यूट मास ऑफ है ना, एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम कितना है वो दे रहा है, तो आप देखेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है 1.1, क्या रहा है हाइड्रोजन का यू की वैल्यू 1.6605, ये पॉइंट 1.6005, ठीक है, मल्टीपल। अब देखिए हमारा हाइड्रोजन एटम कितना है, ऑलरेडी 1 है, हाइड्रोजन एटम कितना है 1, याद लगा दीजिए G4 ग्राम। और एक चीज और इसमें 10^-24 वो पहले लिख दी थी या पहले कर सही रहे, ठीक है, मेरा छुट्टी हो इसलिए वहां पे कर दिया। अब यहां पे मल्टीपल 1 से करेंगे, तो मल्टीपल 1 से करेंगे तो मेरा जैसा का तैसा ही रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे तो वो ऑलरेडी 1 ही होगा। लेकिन यहां 1 के साथ आपका 1.6605 है, अगर 1 से वहां मल्टीपल करेंगे तो आपका ये वैल्यू होगा 1.6005, तो इसको नोट कर दीजिए 1.6 0 5 into 10^-24 g, ठीक है, तो दिक्कत समझ में, इसके स्क्रीनशॉट कीजिए।